की आवाज खबर 7C खबर। सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को, देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज वाराणसी में देव दीपावली के दिन दशाश्वमेध घाट पर जो पारंपरिक आस्था है काशी की, उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं और गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा में नौका विहार के माध्यम से लोगों ने देव दीपावली का आनंद लिया और लोगों की आस्था काशी के पारंपरिक सांस्कृतिक कला को देखने के लिए एक जल सैलाब जैसा भीड़ था। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज वाराणसी जनपद के, जैसा कि आज एक उत्सव का माहौल है, देव दीपावली का दिन है और इस जो काशी की पारंपरिक आस्था है देव दीपावली को लेकर बहुत ही उत्साह रहता है। लोग काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे। जो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो घाट का नज़ारा है सामने, और यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई थी, आरती के बाद से ही लोगों का जो एक हुजूम होता है, जो एक आस्था लोगों की जुड़ी होती है इस दीप से, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कहीं भी आपको पैर रखने की जगह नहीं है, हर जगह आपको पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी। लेकिन जो हम आपको इधर से घाट का जो नज़ारा दिखा रहे हैं वो काफ़ी जो है परिदृश्य है, वो काफ़ी ही मनोभावन और बहुत ही लुभावन लग रहा है। लोग जो जहाँ से हैं वहीं से ही मोबाइल कैमरे में इस सीन को कैद कर रहे हैं, तो एक जो माहौल है ये लोगों के माध्यम से बना हुआ है। देखिए, लोग कहीं ना कहीं लोग दूर से आए हैं। आइए हम कुछ लोगों से भी जानकारी लेते हैं। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? नमस्ते, मैं मयूर कचरे बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप कहाँ से आए हुए हैं? बम्बई से आए हैं। जी बॉम्बे से आए हुए हैं आप? तो जी, कैसे पता चला कि यहाँ की जो पारंपरिक देव दीपावली है इसको लेके आपके मन में क्या लालसा रही? बहुत उत्साह है, आज का बहुत शुभ दिन माना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा का होता है, इसलिए आज यहाँ गंगा की आरती का हम लोग को लाभ मिला और 365 दिन का दिया जलता है इसके पर्व पर। जी सब, बहुत आनंद हुआ आज आके। जी बिल्कुल, यहाँ आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत पवित्र लग रहा है, शांति लग रही है बहुत। जी बहुत शांति लग रहा है, बहुत पवित्र है। तो ऐसे लोगों की आस्था है कि जो जैसे जो काशी की एक आस्था बनी हुई कि यहाँ आने के बाद लोगों के मन को एक शांति मिलती है, तो शांति का अनुभव लोग प्राप्त करते हैं। अभी हम देखिए चलेंगे, देखिए जो लोगों का पब्लिक का जो हुजूम है, देखिए हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो पब्लिक का जो हुजूम है, एक तरह से लोग जहाँ पे हैं वहीं से अपने आप को कैमरे में कैद कर रहे हैं। जो यहाँ के घाट की जो छटा है वो लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। तो जो एक उत्सव सा माहौल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कुछ लोग और जानकारी लेते हैं। जी नाम क्या आपका? महेश गुप्ता। जी कहाँ से आए हैं महेश जी? जी मैं लखनऊ से आया हूँ। जी लखनऊ से आए हैं, तो पहली बार आए हैं कि इसके बार और आना हुआ था? भाई साहब, मैं पिछले 5 साल से यही सोचता था कि मैं जाऊँगा, किसी कारणवश नहीं आ पाता था। आज माँ गंगा का आशीर्वाद मिला और मैं आज यहाँ सवेरे स्नान किया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के उपरांत मैं फिर से यहाँ पर घाट पर आ गया आरती देखने के लिए। जी बिल्कुल, क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? जी बहुत आनंद आ रहा, मैं अपनी श्रीमती जी के संग में आया हूँ। जी बिल्कुल, मतलब आप परिवार के साथ आए हुए? हाँ जी। और जी देखिए बिल्कुल, तो जैसे ही एक समय सारणी बधा हुआ है, लोगों का जैसे हुजूम में उमड़ पड़ा है घाट की तरफ जाने के लिए, तो आइए इसी कड़ी में देखिए कुछ पब्लिक लोग जा रहे हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे। जी नाम क्या है आपका? रविशंकर गुप्ता। गुप्ता जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप? भोजी बनारस से ही है। जी तो क्या लग रहा है आपको इस देव दीपावली के माहौल को लेकर? बहुत उत्साह है जी। तो इस बार पहली बार आप जा रहे हैं कि इसके पहले भी गए? नहीं, काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, पहले भी गए थे। जी बिल्कुल, क्या लग रहा है आपको? हमको जाने दो भैया। जी बिल्कुल जी, आपका नाम क्या है? रोकिए मत। जी तुम है, देखिए इधर से जो पब्लिक हम आपको दिखा रहे हैं कि इधर से जो घाट की तरफ जाने का जो माहौल है वो एक तरफ से लोगों का जो हुजूम है उमड़ पड़ा है घाट की तरफ जाने के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए, लेटेस्ट खबरों के साथ हम आपको खबर 7C न्यूज़ चैनल के साथ दिखाते रहेंगे।